दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक सीएसपी के बारे में। आपको एक ग्रामीण सीएसपी लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, कौन सा बीसी ये प्रोवाइड करते हैं, कितना पैसा लगता है और कितना टाइम लगता है ये अप्रूवल होने में, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक सीएसपी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखें ताकि आपको एक कंप्लीट समझ में आ जाए एक सीएसपी लेने का प्रोसेस। देखो, एक क्या है सीएसपी लेने का जो प्रोसेस है यहाँ पे कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कंपनी में जाके कुछ पैसा देता है एक सीएसपी के लिए है, तो उसको सीएसपी भी नहीं देता है और कंपनी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर, उसका बैलेंस भी रिफंड भी नहीं करता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता रहता है, हर दिन मेरे पास कॉल भी आता है। ठीक है, ऐसा एक कंपनी के साथ कांटेक्ट करो, ऐसा एक बीसी के साथ कांटेक्ट करो जो आपको सही तरीके से एक सीएसपी मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी पैसा भी बर्बाद ना हो। तो देखो यहाँ पे कुछ एजेंसियाँ है कुछ पैसा भी लेता है, और कुछ एजेंसियाँ जो बीसी है यहाँ पे कुछ पैसा लेके भी काम कराते हैं और कुछ ऐसा है जो फ्री में भी देता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोनों बीसी के बारे में बात करने वाले हूँ। एक बीसी के साथ आप आज इस वीडियो में हम लोग दोनों बीसी के बारे में बात करने वाले हो। आप कोई भी एक कंपनी के साथ बीसी के साथ जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो 100% आपको सीएसपी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बता देते हो, एक सीएसपी लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे 12 पास होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड भी होना चाहिए, और आप जिस बैंक का सीएसपी ले रहे हैं उस बैंक का कोई भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास एक पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, जो उसमें लिखा रहता है जो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह का एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप ये डीआईबी के पास भी मिल जाएगा और नियर बाय पुलिस स्टेशन भी ये कभी कभी मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा चैनल में वीडियो है, आप जाके भी देख सकते हैं मेरा चैनल में ये जो पुलिस क्लियरेंस है कैसे मिलता है ये भी हम लोग बताए। भी ये एग्ज़ाम सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप एक सीएसपी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंट का बात। आप बात करते हो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मशीन वगैरह। देखो सबसे पहले आपके पास एक रूम होना चाहिए, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका लैपटॉप कंप्यूटर दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, आपका प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मशीन हो गया। यहाँ पे जितना भी कॉस्टिंग आता है ये सब आपको खुद को मेंटेनेंस करना होगा और कोई भी कंपनी नहीं देगा है। और एक बात यहाँ पे है, आपके पास एक कैमरा होना चाहिए जो फोटो खींचने के लिए वेबकैम जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट, जो फिंगर देके पैसा उड़ोल करते हैं मंत्रा मोटो, जो भी है आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, देखो ये आपको सारी रेडी करना है। पहले आपका डॉक्यूमेंट रेडी करना है, मशीन वगैरह रेडी करना है। तो आप एक साइबर कैप में काम करें, ऑनलाइन पहले से आपका दुकान है तो आपके पास ये तो होगा ही होगा। तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई आप दोनों कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, एक है यहाँ पे सीएससी और एक है यहाँ पे आरटीआरटी, एक है यहाँ पे सीएससी और एक है आरटीआरटी। देखो आरटीआरटी के साथ कांटेक्ट करने के लिए आपको कैसे कांटेक्ट करना है ये भी बता देता हूँ। ग्रामीण विकास बैंक सीएसपी आप दोनों बीसी के साथ ले सकते हैं, एक है यहाँ पे सीएससी, एक है यहाँ पे आरटीआरटी। तो आरटीआरटी के साथ भी ले सकते हैं, ज़्यादातर जो बीसी यहाँ पे सीएसपी प्रोवाइड किया है सब यहाँ पे आरटीआरटी प्रोवाइड किया है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा जो ग्रामीण सीएसपी प्रोवाइड किया है ये आरटीआरटी प्रोवाइड किया है, तो इसके साथ भी आप ले सकते। ये जो आरटीआरटी कंपनी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, काफ़ी अच्छा कंपनी है यहाँ पे, तो इसके साथ भी आप बीसी ले सकते हैं। तो देखो ये जो कंपनी है यहाँ बहुत सारा सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो आप इसके साथ भी एक यहाँ सीएसपी ले सकते हैं। तो इसके साथ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करें, देखो इसके साथ कांटेक्ट करने के लिए इसी पोर्टल में आपको आ जाना है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट में इसमें आ जाना है और यहाँ पे कांटेक्ट अस में आ जाना है। तो कांटेक्ट अस में आने के बाद उसका जो डिटेल्स है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, उसका ऑफिस कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, फ़ोन नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उसका टीम भी आप चेक करके देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अबाउट सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है,
तो आपको एक सीएसपी लेने के लिए यहाँ पे जो एक फॉर्म आएगा इस कॉन्टैक्ट पेज में, तो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। उसको लगता है हाँ अभी सीएसपी का ज़रूरत है तो आपको कॉल बैक कर लेगा, अदरवाइज यहाँ पे जो कस्टमर केयर नंबर है इस नंबर में भी आप कॉल करके बात कर सकते। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो नंबर है इस नंबर में आप कॉल भी कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शो नहीं करो इस नंबर को, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा। तो यहाँ पर आके ये जो नंबर यहाँ पे दिखाई देगा कॉन्टैक्ट में आके, तो ये नंबर में आपको कॉल कर लेना, ठीक है। तो ये आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी सी एस पी लेकर रखा है उसके साथ कांटेक्ट करना होगा, तो वो ज़रूर आपको बता देगा जो मैं आरटीआरटी के साथ लिया था इसी प्रोसेस था। अदरवाइज़ आप सीएससी के साथ भी ले सकते हैं, आपके पास कॉमन सर्विस आईडी है, सीएससी आईडी है, तो सीएससी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मेरा चैनल में वीडियो है, आप जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस फॉलो करो, इसमें कॉल करो, अदरवाइज़ आपका नियरेस्ट जो सीएसपी लेकर आए उसके साथ कॉन्टैक्ट करो, तो 100% आपको सीएसपी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक सी एस पी लेने का जो प्रोसेस है अभी हम लोग बता दिया था, इसी प्रोसेस फॉलो करके एक सी एस पी ले सकते हैं, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका जो सही प्रोसेस है यहाँ पे, आदर्श कोई भी प्रोसेस नहीं है जो आप एक सी एस पी ले सकते, ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस वीडियो इतना है, इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।